नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों के सियासतदान अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए जोर आजमाइश करने वाले हैं। इस जोर आजमाइश की शुरुआत भी अब हो गई है। कोई ब्राह्मण को याद कर रहा है तो कोई पिछड़ा वर्ग के लोगों को, तो कोई अपने सबका साथ सबका विकास की बात पर अड़िग दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कभी बात जो बहुजन की करते थे वो आज ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं। जो कभी समाजवाद की बात करते थे वो आज अपने समाजवाद के रास्ते से भटकते नजर आ रहे हैं। यूपी की सियासत में इन दिनों भूचाल मचा दिखाई दे रहा है। चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन सभी अपने पैतरे अभी से आजमाने लगे हैं। चुनाव अभी दूर है। कोई पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रही है, तो कोई परशुराम की मूर्ति लगाने की, तो कोई मंदिर बनवाने की, लेकिन कोई भी पार्टी ना तो विकास की बात कर रही है, ना रोजगार की और ना ही शिक्षा की। हर पार्टी मुद्दों से भटकती नजर आ रही है। चुनाव नजदीक आते ही सभी को अब चाहत सताने लगी है सत्ता की मुकुट अपने सर सजाने का। ओवैसी के एंट्री के बाद मुस्लिम वोट को खिसकता देख अखिलेश यादव की नजर अब अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर जा टिकी है। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की नई रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रदेश को चार हिस्से में बांटकर अभियान शुरू किया गया है। इसकी कमान पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और MLC डॉक्टर राजपाल कश्यप ने संभाली है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने दावा किया है कि पार्टी के इस सम्मेलन से विरोधी दलों की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसे रोकने के लिए विपक्षी दल तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मायावती ने ट्वीट कर इसको लेकर विपक्षियों पर तख्त तेवर भी अपनाए। मायावती ने ट्वीट कर कहा, मेरे निर्देशन में पार्टी महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र द्वारा यूपी में चल रही प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी, जो ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से काफी चर्चा में है, उसके प्रति उत्साहपूर्ण भागीदारी ये प्रमाण है कि इनका BSP पर सजग विश्वास है, जिसके लिए सभी का दिल से आभार। फिलहाल देखना ये होगा कि यूपी में जितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका ये जातीय हथकंडा काम आता है या फिर सभी पार्टियों की टाए फिस हो जाएगी। खैर, ये तो जल्द पता चल जाएगा। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी। तो धर्म के नाम पर सभी पार्टियां अपने अपने काम पर लग गई हैं। एक तरफ जहां ब्राह्मण सम्मेलन प्रबुद्ध वर्ग नाम दे दिया गया, उसे उस सम्मेलन का आगाज कर दिया गया है अयोध्या से मायावती के द्वारा, सतीश चंद्र उसकी अगुवाई कर रहे हैं। वहीं सपा से भी कई सम्मेलन किए जा रहे हैं। कहीं फुलन देवी आयोजन हो रहा है, कहीं भाईचारा सम्मेलन किया जा रहा है, तो कहीं ब्राह्मण सम्मेलन का कार्ड भी सपा छोड़ने को तैयार नहीं है। और साथ ही साथ अगर BJP की बात करें तो सबका साथ सबका विकास तो उनका नारा ही है, उसको लेकर वो आगे भी बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अपनी पैठ जमाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन मुद्दे जो हैं वो महिला सशक्तिकरण के हैं। जमीनी मुद्दे को लेकर उनका साफ कहना है कि हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन गठबंधन भी हो सकता है। तो ये गठबंधन किसके साथ होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है लगातार कि बड़ा फेरबदल इस बार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। तो इसी पर हमारे साथ शहबाज खान भी जुड़ चुके हैं। शहबाज खान, लगातार हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो बदलाव है वो हर बार होते हैं, लेकिन इस बार के जो बदलाव है बहुत तेजी से हो रहे हैं और जातीय समीकरण की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रही हैं तमाम पार्टियां। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनाव जो है वो नजदीक है, और काफी समय जो है वो कम समय बचा हुआ है, जिसको देखते हुए पार्टियों ने भी अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और अगर बात करी जाए जातीय समीकरण की, तो यूपी में जातीय समीकरण काफी अहम माना जाता है। इसलिए जो जितनी भी पार्टियां हैं मुख्य विपक्षी जो बैठी हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे वो सपा हो, उसने अभी से ही अपनी तैयारियां करना शुरू कर दी है। तो कोई ब्राह्मणों की बात कर रहा है, तो कोई
कोई पिछला वर्ग की बात कर रहा है, तो लगातार ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई किसी जाति को साधने की कोशिश में जुटा हुआ है तो कोई किसी जाति को साधने में जुटा हुआ है। हालांकि इसी बीच ये भी देखा जा रहा है कि मुख्य मुद्दे जो है उनसे विपक्ष भी भागता हुआ नजर आ रहा है, और पक्ष तो खैर अपनी बात करना ही नहीं चाहता, वो अपने विकास और सबका साथ और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को लेकर वो फिर से एक बार मैदान में है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जब बीजेपी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के दौर में ये कहा जा रहा था कि हो सकता है बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिले, लेकिन तमाम माथापच्ची के बाद ये फैसला लिया गया कि जो चेहरा होगा बीजेपी की तरफ से वो योगी जी होंगे और योगी के उसमें चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से अब सपा और बसपा की बात की जाए तो सपा और बसपा इस टाइम मुख्य विपक्ष के रूप में देखे जा रहे हैं। हालांकि सपा को सबसे मेन माना जा रहा है कि सपा और भाजपा की जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर होने वाली है, लेकिन इसी बीच बसपा ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बसपा भी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। देख रहे हैं कि हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी तो कर रही है, लेकिन जहां एक और सम्मेलन विपक्षियों द्वारा किए जा रहे हैं, वहीं भाजपा भी कहीं से पीछे नहीं है। बीजेपी के भी जो बड़े दिग्गज नेता है उन्हें भी उतारने का पूरा प्लान बना लिया है इस बार के चुनाव में। लखनऊ से केशव प्रसाद मौर्य को टिकट दिया जाएगा, इसकी भी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। वहीं स्वतंत्र देव सिंह को भी इस बार चुनाव में उतारा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ तो मुख्य तौर पर ही शहबाज, आपको आवाज आ रही है? शहबाज, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़े जो फेरबदल हैं और बड़े तौर पर जो सियासी समीकरण के साथ साथ अब जातीय समीकरण जो साधने का प्रयास किया जा रहा है पार्टियों के द्वारा, वहीं बीजेपी भी अपने बड़े चेहरों को इस बार फील्ड में उतारेगी और बड़े चेहरों के सहारे ही, स्टार प्रचारकों के सहारे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तो मुख्य मुद्दों से भटक रही हैं सभी पार्टियां, जहां तक जो राजनीति में दिख रहा है कि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्य मुद्दों की बात तो होती है, विकास की बात होती है, लेकिन उस विकास के मुद्दों में जो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जमीनी मुद्दे बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो पार्टियां हैं वो साधने का प्रयास जो कर रही हैं वो बीजेपी के कोर वोटर्स को, यानी कि परंपरागत वोट बैंक जो है बीजेपी का, उनको साधने का कोशिश कर रही है। तो शहबाज, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, बिल्कुल जो बातें हमारी लगातार चल रही है उसमें ये सामने खुलकर आ रहा है कि जातीय समीकरण तो देखिए खुले तौर पर अब सबने ऐलान कर दिया और ये खुली चुनौती भी दी जा रही है कि जातीय समीकरण साधने का हम प्रयास करेंगे। कोर वोटर्स पे सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वो बीजेपी के परंपरागत जो वोट है, जो बीजेपी के हमेशा से हमने कहा है कि ब्राह्मण वोटर्स जो उनको काफी ज्यादा सहयोग मिला था पिछले दो चुनावों में हमने देखा, तो उसको लेकर सबसे मेन साधने का प्रयास जो है वो सपा बसपा कर रही है। भाई गठबंधन, हालांकि सपा बसपा गठबंधन की ओर एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अन्य पार्टियों के साथ बात विचार चल रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का, हालांकि अखिलेश यादव ने यह ऐलान तो किया था कि वो हो सकता है गठबंधन करें, लेकिन किसी बड़े दल के साथ वो जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि लगातार दो बार वो चोट खा चुके हैं और काफी गंभीर चोटें जो है उनको लगी चुनाव में, उन्होंने काफी काफी कुछ झेला, तो इसलिए वो किसी बड़े दल के साथ नहीं जाना चाहते। लेकिन क्षेत्रीय दल, छोटे दल के साथ उन्होंने नामकुर भी नहीं किया। अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं और उनके जो दिल्ली में मीटिंग हुई अजीत सिंह के बेटे के साथ, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो भी साधने की कोशिश कर रहे हैं छोटे दलों को, छोटे दलों के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में इस बार भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करी थी पश्चिमी यूपी में, बिल्कुल सफाया कर दिया था, क्योंकि वहां पर जाट और मुस्लिम की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, तो जिस तरह से सफाया कर दिया था। लेकिन इस बार जो किसान आंदोलन जो लगातार पिछले कई महीनों से चल रहा है, तो इसका अंदेशा है, विपक्ष को ये अंदेशा है कि हो सकता है कि वहां के जो वोटर्स हैं, जो जाट समुदाय एक संख्या है, वहां टूट सकती है, तो जिस पर वो वार करने की लगातार कोशिश की जा रही है वो रालोद और समाजवादी पार्टी की तरफ से,
और कल इसका आगाज भी हो गया है, भाईचारा सम्मेलन जो कल रखा गया बिल्कुल शहबाज भाईचारा तो सम्मेलन बिल्कुल आगाज किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पूरे अगर हम बात करें तो 20% वोट मुस्लिम जाति का रहता है, लेकिन अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 30-35% जो दबदबा है वो मुस्लिम वोटर्स का है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये जरूरी भी हो जाता है। और हम समाजवादी पार्टी का ये भी शहबाज खान अच्छे से देख पा रहे हैं कि इस बार जो वोट बैंक को हासिल करने की कवायद है उन्होंने क्षेत्रों को बांट दिया है, उनको बांटते हुए इस बार वो आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र के हिसाब से वहां पर अपना विकास सम्मेलन या भाईचारा सम्मेलन, फुलंदेवी आयोजन या फिर आप ब्राह्मण सम्मेलन उसका आगाज कर रहे हैं, और साथ ही साथ वहां पर पार्टियों के साथ गठबंधन करके भी आ रहे हैं, जैसे आपने बताया राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी गठबंधन हो गया है। बिल्कुल, जिस तरह के अखिलेश यादव जो है वो अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में जब उन्होंने उनके मायावती के साथ आए थे और विधानसभा में राहुल गांधी के साथ आए थे, तो जिस तरह से उनको चोट लगी और बड़े दल के साथ जाने पर समाजवादी पार्टी ने ये देखा कि उसको नुकसान हुआ, लंबा नुकसान हुआ। हालांकि अखिलेश यादव जब गठबंधन कर रहे थे तो उस गठबंधन के लिए उनके उनके पिता ने और पिताजी ने मुलायम सिंह यादव ने खुद मना किया था कि गठबंधन में इतनी बड़ी पार्टी के साथ ना जाइए क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं गुमराह हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की एक बहुत बड़ी संख्या है जो इन दोनों पार्टियों के साथ जुड़ी है, लेकिन जब ये दोनों पार्टियां एक साथ आ गई तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक बट गए, जिस कारण एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को। तो जिस नुकसान की आशंका मुलायम सिंह यादव ने देख ली थी, पहले से ही भाप ली थी, उसको शायद अखिलेश यादव इतने बारीकी से नहीं भाप पाए। हालांकि राजनीति में इतने ज्यादा पके हुए भी अभी अखिलेश यादव नहीं है, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी जिंदगी में राजनीति करी, जिस तरीके से काफी लंबा सफर तय किया है, तो उनको काफी कुछ पता है। तो अब जब अखिलेश यादव ने दो बार लगातार चोट खाने के बावजूद या देखा कि बड़े दलों के साथ उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए वो क्षेत्रीय दल के साथ जा रहे हैं, और क्षेत्रीय दल के साथ ऐसे दल में जहां जिस पार्टी का जहां दबदबा ज्यादा है, जिसके साथ जाति समिति। बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, ये साफ देखने को मिला है कि जिस तरह से पिछले जो दो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग का जो वोट है वो किसका है, सपा से, तो जरूरी हो जाता है पिछड़ा वर्ग को सागने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई बड़ा चेहरा इस वक्त नहीं रह गया है पिछड़ा वर्ग का, उसको लेकर भी जरूरी हो गया है कि आप एक बड़ा चेहरा सामने रख सकते हैं, तो ऐसे कोई पार्टी में किसी के शामिल होने की अभी ऐसे कोई सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कोई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं? जी ऐसा अभी हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई खबर नहीं, किसी बड़े चेहरे की अंदेशा नहीं लगाया जा रहा है कि कोई बड़ा चेहरा पिछले वक्त से शामिल हो सकता है। हालांकि जो अभी बहुजन समाज पार्टी से जो कुछ लोग पार्टी छोड़ के आए थे तो हो सकता है उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी में पहले से नेता रहे हैं और उस जिले की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे में नाराजगी ना हो जाए उन दोनों के बीच, ऐसा कुछ समाजवादी पार्टी के जो छोटे दल बहुत महत्व रख रहे हैं, तो छोटे दलों की जो मांगे हैं वो साफ तौर पर सामने खुलकर आ रही हैं। हालांकि वो छोटे दलों की जो मांगे हैं वो अखिलेश कितना सुनते हैं और उनके साथ किस बातों को लेकर समंजस बैठता है और आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाई अगर बसपा के ऊपर हम नजर डालें शहबाज, तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ा है कि बसपा का कहीं ना कहीं जो जनाधार है वो कम हुआ है, या फिर आप कह लीजिए जो पार्टी में थी वो भी कहीं ना कहीं कम हुए हैं, सदस्य घटे हैं। जी जी बिल्कुल, उसको लेकर जरूरी हो जाता है उनका गठबंधन करना किसी ना किसी के साथ। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 2012 का 2017 की बात करें तो लगातार मायावती का जो क्रेज, जिस तरीके का क्रेज देखा जाता था मायावती का, वो क्रेज खत्म होता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक बहुत बड़ा नुकसान। और पार्टी से कई कद्दावर नेता जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सौरभ प्रसाद मौर्य जैसे जो पिछड़ा वर्ग से आते थे, एक बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे, तो इन लोगों के पार्टी छोड़ने से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है बसपा को, और इसकी भरपाई भी आज तक नहीं हो पाई है। और लगातार उनके जो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको या तो निकाल दिया जा रहा है मायावती द्वारा, या तो वो खुद पार्टी छोड़ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती हालांकि जिस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, एक पुरानी एक बसपा की नीति थी कि वो पिछड़ों की और उल्लू की आवाज उठाती थी जो दबे कुचले थे, लेकिन अब वो अपने मुद्दों से भटक कर एक ब्राह्मण कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल शहबाज, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो ये फॉर्मूला लगाया जा रहा है, हालांकि साधने की कोशिश जातीय समीकरण को ही हो रही है, क्योंकि ये दिखाई पड़ा है और ये इस बार की राजनीति में जरूरत भी बन गई है कि आप हर जाति के ओर आपको बढ़ना पड़ेगा, आगे अपना राह जो है वो कठिन है, इसलिए आपको चुननी पड़ेगी कि कौन सी राह पर जाके आपको जो सफलता मिलेगी। 2007 के चुनाव में हमने देखा था कि बसपा ने कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला लगाया था, उसमें बढ़त भी बनाई थी उन्होंने, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो पार्टी से छटनी हुई है उसके चलते पार्टी कमजोर पड़ी है। तो क्या लगता है, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है या फिर मायावती का भी ऐसा कोई प्लान है कि सीधे छोटे दलों की तरफ उनका भी झुकान बढ़ेगा? देखिए, मायावती की तरफ से अभी चीजें साफ नहीं करी गई है कि बसपा जो है वो किस पार्टी के साथ जाएगी या किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, इस तरह की कोई अभी कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जिस तरह कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि राजनीतिक गलियारों से ये खबरें उठ रही है सूत्रों के हवालों से, कि हो सकता है बसपा और कांग्रेस एक साथ आ सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और ये बात कितनी सटीक बैठती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि मायावती कांग्रेस के साथ जाती है या फिर नहीं जाती है। क्योंकि वही अगर आपकी और बीजेपी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी अपना अभी फिलहाल कम समय में ही उन्होंने बढ़त काफी ज्यादा बनाई है, लोगों के मन में विश्वास हालांकि जीतने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली मॉडल देखा है और उसी के आधार पर वो यहाँ पर भी वोट साधने का प्रयास करें कि दिल्ली मॉडल को लेके आएंगे। तो क्या लगता है आपका, दिल्ली मॉडल लखनऊ में उत्तर प्रदेश में जनता के बीच काम करेगा? वो हमेशा ऐसे ही दूसरे राज्यों में जाकर वो दिल्ली मॉडल की बात करती है, कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो सराहना होती है दिल्ली में, जिस तरीके से उन्होंने उनकी पार्टी ने उनके सरकार द्वारा जो कार्य कराए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये एक मजबूती है जिसके बल पर, चाहे वो उत्तराखंड की बात करी जाए, उत्तराखंड में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी लगातार, अभी अरविंद केजरीवाल का दौरा भी था अभी कुछ दिन पहले, जहां पर उन्होंने मुफ्त बिजली की घोषणा की थी कि 300 यूनिट जो है वो, हाँ 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया था। तो यहाँ पर संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आगे दिखाई दे रहे हैं, और वो चाहे रोजगार गारंटी यात्रा हो या फिर कोई मुद्दा हो जिस पर भाजपा को घेरा जा सके, तो वो लगातार संजय सिंह द्वारा देखा जा रहा है कि वो भाजपा को घेरने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी भी किसी और दल पे नहीं, लेकिन बीजेपी को पूरी तरीके से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल शहबाज, और बीजेपी ने भी अपने जो स्टार प्रचारक है या फिर आप कह लीजिए जो मेन चेहरे उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हो, इन तमाम लोगों को चुनाव में उतारने का ऐलान भी कर दिया है। देखिए, बीजेपी ने जहां एक तरफ सारी पार्टियां अपनी अपनी अलग अलग रणनीति लगा रही है, तो वहीं बीजेपी एक नेशनल लेवल की पार्टी इस टाइम बन चुकी है, उससे बड़ी पार्टी कोई है भी नहीं। तो जिस तरीके से बीजेपी की जो तैयारियां चल रही है वो अपने में एक अलग तैयारी है। आज से इनका लोकसभा सांसद जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको जो है वो दिल्ली बुलाया जा रहा है, और वहां पर राधा मोहन भी मौजूद रहेंगे जो दौरे पर आए थे यूपी के, और यहाँ के बीएल संतोष हैं और तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी वहां दिल्ली में मौजूद हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा उस बैठक में मौजूद है, और पश्चिमी यूपी में नुकसान की आशंका लगाई जा रही है, सबसे पहले उसी पर फोकस किया गया है। ब्रिज यानी कि मथुरा साइड के जितने भी सांसद हैं और ये कानपुर के हैं, तो जितने भी पश्चिमी यूपी के लोग हैं, सांसद हैं, उनको बुलाया गया है सबसे पहले, उन पर पार्टी फोकस कर रही है, और जिसकी अगुवाई जो है जेपी नड्डा द्वारा की जा रही है। तो लगातार बीजेपी की बिल्कुल शहबाज, ये कयास तो लगातार लगाए जा रहे हैं, और बैठकों का दौर भी काफी लंबे समय से जारी है बीजेपी में, क्योंकि मंथन जरूरी है, क्योंकि संगठन और सरकार के बीच में ये देखी थी स्थिति कि कहीं ना कहीं थोड़े मनमुटाव आए थे जिसको दूर करना जरूरी हो गया था, उसी को लेकर संगठन और सरकार की भी बैठकें हुई, अब विधायकों की भी बैठकें हो रही, क्योंकि दिशा निर्देश पारित करना जरूरी हो गया है, हालांकि कि क्या कार्य किया जा रहा है इसके आधार पर। लेकिन पहले ये कहा जाता था मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, लेकिन लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 30 तारीख से पहले मंत्रिमंडल विस्तार खबर भी सामने आ सकती है। तो क्या लगता है, ये जो दौरा है इसमें कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चाएं मंथन हो रही होंगी कि किस बड़े चेहरे को जगह दी जाए, और कौन सा जातीय समीकरण के आधार पर किस तरह से हम उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 6 जगहें हैं जो रिक्त पड़ी हुई हैं मंत्रिमंडल में, तो उसको भी भरने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव की तैयारी सर पर है, जिसकी बीजेपी बैठक कर रही है, और मंत्रिमंडल का विस्तार भी यूपी में होना है।
अभी हमने देखा था कि जब केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो उसमें पीएम मोदी ने तमाम अति पिछड़ा वर्ग और तमाम महिलाओं को जो है अपनी जगह दी थी, तो कहीं ना कहीं उसमें यूपी को साधने की पूरी तरीके से कोशिश करी गई थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है यूपी का वो सर पर है और इसको देखते हुए केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो हुआ था, यूपी का विशेष ध्यान दिया गया था, यूपी से कई मंत्री जो है वो पिछड़ा वर्ग के बनाए गए थे, चाहे वो बीएल वर्मा हो और कई तमाम बड़े चेहरे थे जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई, सांसद कौशल किशोर को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई, तो कहीं ना कहीं ये यूपी को फोकस कर रही है और यूपी में फिर से किस तरीके से पकड़ बनाकर चुनाव को जीता जाए बीजेपी लगातार इसकी कोशिश कर रही है। और ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र में छूट गए, जिनको केंद्र में जगह नहीं मिल पाई, उनको यूपी मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं जगह दी जाए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग की बात की जाए, तो जाति समीकरण इस पे भी हावी रहेगा और जाति समीकरण को देखते हुए ही इस मंत्रिमंडल का विस्तार, यूपी के मंत्रिमंडल का विस्तार भी जाति समीकरण के आधार पर ही होना है। बिल्कुल शहबाज, ये लगातार तो देख ही रहे हम लोग कि किस तरह से केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लेकिन जो प्रमुखता थी वो दी गई उत्तर प्रदेश को, इसीलिए 5 मंत्री चुने गए उत्तर प्रदेश के, जिसमें 2 ओबीसी, 2 पिछड़ा वर्ग, साथ ही साथ 1 ब्राह्मण को भी साधने का प्रयास किया गया खुले तौर पर। लेकिन अब भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पद की बात की गई थी, जिनको लगातार सहानुभूति दी जा रही थी कि आपको पद मिलेगा, कहीं उसमें एक संजय निषाद भी शामिल है जो लगातार एक आस लगाए बैठे हैं कि उनकी आस कहीं ना कहीं कि आस को पुगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि देखना है मुगा कि इसको लेकर किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहां फेरबदल किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार हम बात कर रहे हैं सियासी समीकरण बैठाने की, तो हमने बात करी उत्तर प्रदेश में किस तरह से सभी पार्टियां अब कई जातियों को साधने का प्रयास कर रही है, वो सिर्फ अपने कोर वोटर्स के आधार पर इस बार चुनाव में उतरेंगी नहीं, लेकिन उन्होंने मन बना लिया है कि वो बीजेपी के परंपरागत वोट को तो साधेंगे साधेंगे, अपना कोर वोट तो सेफ है, लेकिन उसके साथ ही अन्य वोटों को भी वो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए जो सपा पार्टी है उसने पूरा क्षेत्र को एक बांटते हुए क्षेत्र के हिसाब से वहां पर जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम वोटर्स को साधना हो, या फिर ब्राह्मण सम्मेलन करके ब्राह्मणों को साधना हो, या फिर फूलन देवी का आयोजन करके उन्हें, या फिर परशुराम की मूर्ति लगानी हो, या अंबेडकर वाहिनी की शुरुआत करनी हो। सपा का एजेंडा साफ है कि जातीय समीकरण जरूरी है। वहीं बसपा भी इसी राह पर आगे चलना शुरू हो गई है। बसपा ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो दलितों और मुस्लिमों की पार्टी तो हमेशा से रही है, उनके कोर वोटर्स रहे, लेकिन इस बार उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए अयोध्या से जिस अयोध्या को लगातार लेके विपक्ष निशाना साधती रही भाजपा को, वहीं से बसपा ने अपने ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज कर दिया। और इसी के साथ बीजेपी भी अब मैदान में कहीं से पीछे नहीं रहना चाहती है, तो अयोध्या के विकास की भी बातें हो रही है, साथ ही साथ कई जो स्टार प्रचारक है उनके, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, दिनेश शर्मा हो, इन तमाम लोगों को अब चुनाव में उतारा जाएगा और इनके ही आधार पर वोट लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य भी दलितों का है सामने, और परंपरागत वोट जो है वो ब्राह्मणों का हमेशा से ही बीजेपी के साथ दिखाई दिया है। तो देखना अहम होगा कि इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव में जहां पर छोटे दल बड़ी अहमियत बनाए हुए हैं, उनको लेकर किस तरह से गठबंधन किया जाता है, और सपा किसके साथ जाती है, बसपा का किसके साथ गठबंधन होता है, वहीं बीजेपी कहां बढ़त बनाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी तमाम खास खबरों को लेकर, और आप कहीं मत जाएगा, हमारे साथ बने रहिए और जानते रहिए उत्तर प्रदेश की सियासत में और कौन कौन से बदलाव सामने आएंगे।